दोस्तों, हमारे टेक्निकल चैनल की नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी वीडियो की नई नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ इस नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आपके हमारे इस टेक्निकल चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेटीएम डेबिट कार्ड की, जो कि हम ऑर्डर करने वाले हैं पेटीएम की तरफ से एट जस्ट 120 रुपीज़ में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ऑल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले जाना है आपको पेटीएम एप्लीकेशन में। दोस्तों एप्लीकेशन में इंटर करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो तो बैंक का ऑप्शन आ रहा है, आप कर देंगे बैंक के ऑप्शन में क्लिक। दोस्तों क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो तो डिजिटल डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, इसके नीचे में अगर आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद डेबिट एंड एटीएम कार्ड का ऑप्शन पे आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखूंगा रिक्वेस्ट कार्ड, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एड्रेस मांगा जाएगा, एड्रेस में आपको अपना खुद का एड्रेस डालना है, ठीक है। एडिट करके एडिट करने में आपको पे करना है 120 रुपीज़, जो कि नीचे ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों 120 रुपीज़ का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। दोस्तों ऑप्शन में आने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक खुलेगा पेटीएम, ठीक है। तो पेटीएम के थ्रू यहाँ पे पेटीएम के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर अदर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, ठीक है, या फिर भीम ऐप से भी आप उसका पेमेंट कर सकते हो। मैं करूँगा यहाँ पे पेटीएम से। दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, मैंने पेटीएम का मेरा बैलेंस 120 रुपीज़ कट हो गया है। कट होने के बाद में मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है एटीएम कार्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली दिखा रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे एटीएम एंड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ गया है। ऑप्शन आने के बाद मैं डेबिट कार्ड ऑर्डर स्टेटस में जाऊँगा। स्टेटस देखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कार्ड का लोकेशन और डेट, मतलब कब तक 20 मार्च तक, ट्यूजडे तक मेरा कार्ड आ जाएगा, मतलब दो से चार दिन में मेरा ऑर्डर आ जाएगा घर पे। जब भी घर पे आ जाएगा उसको करना पड़ेगा आपको एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ये 3 प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल है। उसके बाद आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपने कार्ड को बहुत इजीली यूज़ कर पाओगे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, और न्यू वीडियो के लिए कमेंट या फिर यही वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तब तक लेटे के एम बाय।